आज से दिल्ली में अनलॉक, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के काम की इजाजत, लेकिन श्रमिकों की हो सकती है कमी। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं में छूट बरकरार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कम हुए कोरोना के नए मामले, दर्ज हुए 946 केस, 78 लोगों की गई जान। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। यूपी के 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, 600 से ज्यादा कोरोना केस होने पर छूट हो जाएगी खत्म, कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की छूट। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज से शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन बारी बारी से खुलेंगे बाजार और दुकानें। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिले में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी, आउटडोर स्टेडियम खुलेंगे लेकिन इंडोर स्टेडियम रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवा को 50% क्षमता के साथ जारी रखने की मिली छूट। नाई की दुकानें, सलून पार्लर और शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने की छूट, 25% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना के नए केस 2,256, 29 मरीजों ने गवाई जान। यूपी में आज से बीजेपी कमीशन 2022 पर मंथन, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से बैठकों का दौर, आज लखनऊ जाएंगे बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट आज 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर कर सकता है सुनवाई, कोरोना का हवाला देकर परीक्षा पर रोक लगाने की मांग। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी केंद्र सरकार को लिखा खत, कहा 12वीं की परीक्षा सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर केंद्र सरकार से मांगा दिशा निर्देश, कहा 10वीं की परीक्षा नहीं कराने का फैसला लेकिन 12वीं का क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का है खास महत्व, अलग अलग राज्य इस पर अपने स्तर से नहीं ले सकते फैसला, कहा क्या करना है ये पीएम जल्द करे सुनिश्चित। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर फंसे पेज के बीच एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउनी का बड़ा बयान, डोमिनिका से भागकर भेजा जा सकता है मेहुल चौकसी। एंटीगुआ के पीएम ने माना डोमिनिका के जकलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर खड़ा जेट विमान भारत से आया। एंटीगुआ के पीएम का सनसनीखेज दावा, कहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के लिए उसने एंटीगुआ छोड़ने की गलती की लेकिन डोमिनिका में पकड़ा गया। फिलहाल डोमिनिका जेल में बंद है पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी, सामने आई थी तस्वीरें, मेहुल के वकील ने मारपीट का दिया था हवाला। बरबुडा पुलिस के प्रमुख एटली रॉडनी ने मेहुल के वकील के आरोप को खारिज किया, कहा ना तो मेहुल को अगवा किया गया और ना ही उससे मारपीट हुई। शिमला के सीएम जयराम ठाकुर ने एक लैब का किया उद्घाटन, कई तरह परीक्षण करने के लिए सक्षम मशीन लगाई। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की, डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़, बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। लखनऊ पुलिस ने लव जिहाद के आरोपियों को किया गिरफ्तार, इंदिरा नगर इलाके से हुई गिरफ्तारी। जयनगर पिटाई से गई युवक की जान, 5 लोगों पर है पिटाई का आरोप।